हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम बात करेंगे समरी की। ये है टाइटस एंड्रोनिकस की समरी। और आपको पता है हम शेक्सपियर के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, उनके सारे वर्क कर चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था, हम उनकी समरी पे एक एक वर्क उठाएंगे और हर एक की हम समरी को कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है कि कैरेक्टर्स के नाम भी पूछे जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं शेक्सपियर के वर्क से। देखिए, जो टाइटस एंड्रोनिकस है ये कुछ लिखा गया था 1589 टू 1592 के बीच में, ठीक है। और इसको पब्लिश किया था 1594 में। और अगर हम इसके थीम की बात करें तो इसका थीम है ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी में भी हम कह सकते हैं एक तरफ से रिवेंज ट्रेजेडी, ठीक है, रिवेंज ट्रेजेडी इसका थीम है। और अगर हम कुछ क्रिटिक्स की बात करें तो कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये जो टाइटस एंड्रोनिकस है ये शेक्सपियर ने जॉर्ज पील के साथ कोलैबोरेशन में वर्क लिखा है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का कहना है ऐसा नहीं था, ये जो टाइटस एंड्रोनिकस है ये अकेले शेक्सपियर ने ही पूरा किया है। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर याद रखनी है। कुछ ये एक मेन कैरेक्टर होता है, जो नाम है, जो टाइटल है वर्क का, वही मेन कैरेक्टर है, ठीक है। ये एक रोमन एम्पायर का एक रोमन जनरल होता है, एक जनरल होता है, तो इसे हम कह सकते हैं एक रोमन जनरल होता है ये। और ये गोथ्स के साथ, गोथ्स क्या होते हैं, एक जर्मनिक ट्राइब, एक जर्मन ट्राइब है। ये जो गोथ्स है ना, ये एक जर्मन ट्राइब है। इन गोथ्स के साथ इसका वॉर हो रहा होता है, और वो वॉर कितने साल तक होता है, 10 ईयर्स तक। अब 10 ईयर्स के बाद ये वापस अपने एम्पायर में आता है जहाँ से ये बिलोंग करता है, रोमन में, ठीक है। अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा एक बार मैंने आपको बैकग्राउंड समझाना था, ओके। अब देखिए, ये इसके ना वॉर में जाने से पहले 25 बेटे होते हैं, 25 सन होते हैं, ये याद रखना। जब ये गोथ्स के साथ वॉर से रिटर्न हुआ, मतलब वहाँ से लड़ के जब ये वापस अपने देश आया, तो उस टाइम पे इसके 25 में से 4 सन, सिर्फ 4 सन इसके बचे हुए थे, ठीक है। अब ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि पहले इसके कितने बेटे थे, 25 युद्ध में जाने से पहले, और फिर इसके कितने बेटे बचे, क्योंकि वो यहाँ पे लड़ाई में मारे गए, तो 25 में से सिर्फ 4 बचे। अब हम इन चारों का नाम देख लेते हैं, क्योंकि इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है और आगे काफ़ी कुछ आपको इनके बारे में सुनने को मिलेगा, ओके। फर्स्ट है लूसियस, ठीक है। सेकंड है मार्टियस। थर्ड है म्यूटियस। एंड फोर्थ वन इज, हम मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्विंटस, ठीक है। ये इसके 4 बेटे हैं जो युद्ध के बाद अलाइव थे, और ये वापस इनके साथ आया और कुछ गॉथ्स के प्रिजनर को भी लाया, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इनके सन का नाम आपको देख लेना है, लूसियस, क्विंटस, मार्टियस एंड म्यूटियस, ओके। अब देखिए, क्या इसका एक भाई भी होता है, इसका एक ब्रदर होता है, उसका नाम क्या है, टाइटस एंड्रोनिकस के ब्रदर का नाम क्या है, मार्कस, ओके। आपको ये नाम जरूर पता होने चाहिए, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी, इसलिए मैं नाम आपको पहले बता रही हूँ, ओके। अब मार्कस के बारे में भी पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए, जब ये इन 4 सन इसके जो ये बचे हुए थे, इसके साथ ये वापस अपने एम्पायर लौट रहा था, और उस युद्ध में जीत के लौटा था ये, ठीक है। जो गोथ्स के साथ इसका युद्ध हो रहा था, वो उसमें सिर्फ टाइटस एंड्रोनिकस ही जीता, और ये लोग हार गए, तो इनमें से कुछ लोगों को प्रिजनर बना के ले आया था टाइटस एंड्रोनिकस, इनमें से कुछ लोगों को प्रिजनर बना के अपने साथ अपने होम टाउन ले आया। अब उन प्रिजनर की बात कर लेते हैं, अब टाइटस एंड्रोनिकस किस किस को लाया, देखिए मैं पूरा नाम लिखने के बजाय सिर्फ टाइटस लिख दूंगी, आप समझ जाना। टाइटस लाया एक तो गोथ्स की जो क्वीन थी, उसका नाम था टमोरा, उसको अपने साथ लेके आया, ठीक है। इसके 3 सन थे, उनको भी अपने साथ लेके आया,
अलेरबस, डिमेट्रियस और एक और है चिरोन। उन्हीं के साथ एक टमोरा का एक सीक्रेट लवर होता है, उसका नाम होता है आरन। ये एक मूर होता है और ये डार्क स्किन का होता है, ठीक है। और इसके साथ आरन को लेके आया जो इसका सीक्रेट लवर था, टमोरा के तीन बच्चों को भी साथ में लेके आया और टमोरा को भी। तो इन चार के साथ इस एक सीक्रेट लवर को भी अपने साथ लेके आया। तो ये थे इसके प्रिजनर, ओके, गोथ्स से जिसको लेके आया वापस। कौन लेके आया? टाइटस, क्योंकि इनसे युद्ध जीत चुका था टाइटस। अब बात करते हैं कि जब टाइटस के ने इतने अपने सारे इसके इतने सारे बच्चे जो थे वो मर गए थे, उनका बदला लेने के लिए इसने क्या किया? अलेरबस को जला दिया। ये टमोरा का एल्डेस्ट बेटा था, मतलब सबसे बड़ा सन था, और टाइटस ने इसको जला दिया। तो इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। फिर आगे स्टोरी में हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मीनवाइल जो जो हो रहा होता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, स्टोरी में साथ साथ में जो हो रहा होता है। जब टाइटस वापस आ रहा था इन सबको लेके, मीनवाइल मैंने बात की है कि इसी टाइम पे क्या हो रहा था कि जो रोमन एम्पायर है, जब ये वापस आ रहा था यहां पे, रोमन एम्पायर का जो किंग था उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो रोमन एम्पायर में रहने वाले लोग थे वो चाहते थे कि कोई अच्छा किंग जो है वो आए और मतलब अच्छा किंग रूल करे। तो क्या हुआ इस टाइम पे, जो टाइटस का एक भाई, जो मैंने नाम बताया शुरू में ही, जो इसका ब्रदर होता है मार्कस, वो क्या कहता है कि टाइटस को किंग बना दो, क्योंकि टाइटस ने इतना बड़ा युद्ध जीता है और वो 10 साल बाद आया है और ये हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है। तो सब लोग वहां पे जो रोमन एम्पायर में रहने वाले लोग हैं वो खुश हुए, लेकिन टाइटस ने इस चीज के लिए मना कर दिया कि वो किंग नहीं बनेगा। उसने मना कर दिया, उसने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत ओल्ड हूं और मैं किंग बनने के लायक नहीं हूं। मेरे ओपिनियन में किंग के जो दो बेटे हैं, दोनों बेटे में से जो एल्डेस्ट सन है उसको आप किंग बना दो, ऐसा टाइटस एंड्रोनिकस ने कहा। अब हम किंग के दोनों बेटों की बात कर लेते हैं। देखिए, जो बड़ा बेटा है उसका नाम होता है सैटर्निनस, ठीक है, और छोटे वाले बेटे का नाम होता है बेसेंस, ओके। ये दो नाम होते हैं इस किंग के बच्चे के। अब ये कहता है कि बड़े को किंग बना दो, तो ये क्या बन गया यहां पे, अब रोमन एम्पायर में किंग बन गया सैटर्निनस। अब देखिए क्या एक यही से एक जो प्लॉट है वो मोड़ ले लेता है। टाइटस के जो मैंने बताया चार बच्चे थे, उनके साथ साथ इसकी एक डॉटर भी थी और डॉटर का नाम था लेविनिया, ठीक है। अब देखिए ये जब सैटर्निनस किंग बन गया तो इसने कहा टाइटस को, टाइटस एंड्रोनिकस को, कि मुझे आपकी डॉटर लेविनिया से शादी करनी है, ठीक है। अब इसी बात पे, अब जो इसका एक छोटा भाई था वो किंग नहीं बना था बसाइंस, अब ये कहता है कि नहीं, लविनिया मेरी लवर है, ठीक है। बसाइंस कहता है कि लविनिया मेरी लवर है, तो बसाइंस एंड लविनिया ये क्या कर जाते हैं, ये भाग जाते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है ये इलोप, ये भाग जाते हैं। अब जब ये भागते हैं ये दोनों, तो टाइटस का जो बेटा था एक म्यूटियस, चार सन में मैंने एक नाम ये भी लिया था म्यूटियस, ये इन दोनों की हेल्प करता है भागने में। अब जब ये इन दोनों की हेल्प करता है तो टाइटस इस चीज को देशद्रोह मानता है और वो मानता है और उसे बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी खुद की जो फैमिली है, जो किंग है, उसकी बात नहीं मान रही है और किंग की आज्ञा का पालन नहीं कर रही है। तो टाइटस को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि जो किंग है उसकी बात को माना जाता है। तो टाइटस ने को इस बात पे गुस्सा आया जब लविनिया बेसाइंस के साथ भाग गई और उसके बेटे ने उसका साथ दिया, तो ये म्यूटियस को यहीं पे मार देता है अपने बेटे को, ठीक है, क्योंकि वो देशद्रोह घोषित कर दिया जाता है। जो लविनिया है
वो बसाइंस के साथ जब भाग जाती है तो इसी बात पर जो किंग होता है सैटर्निनस, उसको इंसल्ट महसूस होती है और उसको ये चीज बहुत बुरी लगती है। तो वो सोचता है कि टाइटस एंड्रोनिकस की सारी फैमिली उसके खिलाफ है और ये सैटर्निनस जो होता है ये टाइटस एंड्रोनिकस की सारी फैमिली से नाराज हो जाता है। तो ये एक रिवेंज के तौर पे क्या करता है कि जिस गोथ की क्वीन को टाइटस एंड्रोनिकस प्रिजनर बना के लाया था, मतलब कैदी बना के लाया था, उससे शादी कर लेता। और वो कौन थी? टमोरा। ठीक है, तो सैटर्निनस किससे शादी कर लेता है? टमोरा से। अब टमोरा के हाथ में भी पावर आ गई क्योंकि वो इस किंग से उसने शादी कर ली। अब टमोरा इससे शादी तो कर लेती है तो, लेकिन ये यहाँ पे कुछ स्कीम तैयार कर रही होती है या फिर जिसे हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। ये टमोरा कहती है कि आप टाइटस एंड्रोनिकस को माफ कर दीजिए। तो सैटर्निनस अपनी क्वीन के कहने पे ऐसा कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी के बाद जब ये उसको माफ कर दे रहा होता है तो जो टाइटस है वो सुलह करने के लिए क्या कहता है कि हंटिंग के लिए बुलाता है। वो कहता है दोनों को कि आप आओ और हमारे परिवार के साथ हंटिंग पे चलो। तो जब ये हंटिंग पे जा रहे होते हैं तो टमोरा और जो इसका सीक्रेट लवर होता है आरन, इसके बारे में इनको पता चल जाता है कि ये इसका सीक्रेट लवर है। ठीक है, अब मीनवाइल अब क्या होता है, आरिन बहुत ही इसमें चालाक बंदा होता है जो इसका क्वीन का सीक्रेट लवर होता है। अब आरिन टमोरा के दोनों बच्चों को बुलाता है। एक बच्चा जो इसका अलर्बस, वो पहले ही मर गया था। जो किसने मार दिया था? टाइटस ने। अब जो दो बच्चे इसके बचे थे, डिमेट्रियस एंड चिरोन, अब इन दोनों को बुलाता है और कहता है आरिन कि तुम दोनों लविनिया का रेप कर दो। ठीक है, क्योंकि ये अब रिवेंज लेना चाहते हैं, अलर्बस मार दिया इसलिए। अब ये कहते हैं तुम इन दोनों को, तुम दोनों मिलके लविनिया का रेप कर दो और इसको जो बसाइंस है इसको मार दो। ये दोनों ठीक ऐसा ही करते हैं, ये इसको मार देते हैं और इसका रेप कर देते हैं। और जब इसका रेप करते हैं तो इसके हैंड्स, हाथ काट दिए जाते हैं, प्लस इसकी टंग, जीभ काट दी जाती है। ठीक है, ताकि वो किसी से कम्युनिकेट ना कर पाए, ना तो राइट डाउन करके, ना तो लिख के किसी को नाम बता पाए और ना ही बोल कर किसी को नाम बता पाए। तो इसलिए ये दोनों चीजें इसकी काट देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि लविनिया के साथ तो ये सब हो रहा होता है। आरन ने क्या किया, एक लेटर लिखा और उसमें बताया, और वो लेटर किसको लिखा था? वो लेटर किंग को लिखा था, सैटर्निनस को। और उस लेटर में लिखा था कि जो तुम्हारा भाई है बसायंस, उसको मारा है टाइटस एंड्रोनिकस के दो लड़कों ने। और किसका नाम बताया? म्यूटियस एंड एक और क्विंटस। अब आप सोच रहे होंगे कि लूसियस का नाम क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब ये सब हो रहा था, इसकी जो डॉटर लवीनिया है जब वो भाग जाती है तो ये अपनी बहन का लूसियस साथ देता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है देश से, इसलिए इन दोनों का नाम आया। ठीक है, इन दोनों को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है किंग। अब किंग कहता है इन दोनों को पकड़ो क्योंकि इन्होंने मेरे भाई बसायंस को मारा है, जबकि उन्होंने नहीं मारा था, उनकी कोई गलती नहीं थी। मारा तो आरन की जो जिसका ये सीक्रेट लवर था, गॉथ्स की क्वीन जिसका नाम था टमोरा, और इसके दो बच्चे डिमेट्रियस प्लस चिरोन, इन दोनों ने मिलके मारा था बसायंस को। लेकिन नाम किसका लिया? टाइटस एंड्रोनिकस के इन दोनों बच्चों का। किसने लिया? आरन ने लिया। कैसे लिया? इस एक लेटर में लिखा कि बसायंस को इन दोनों ने मारा है, तो इसने, किंग ने अपने भाई के रिवेंज के लिए इन दोनों को पकड़ लिया। ठीक है, अब कैदी बना लिया। अब ये यहाँ वहाँ दौड़ता रहा, एक तरफ से ऐसे बैगिंग वगैरह करता रहा कि जो इसके बच्चे हैं ये इनोसेंट है, इनको छोड़ दो। अब इसी टाइम पे क्या होता है, एक आरन टाइटस के पास आता है, टाइटस एंड्रोनिकस के पास एक ऑफर लेके, और आरन कहता है टाइटस एंड्रोनिकस को कि तुम
अपने अपना एक हाथ काट के दे दो और इसके बदले में तुम्हारे जो दोनों सन हैं म्यूटियस एंड क्विंटस इनको राजा जो किंग है वो छोड़ देगा। तो टाइटस क्या करता है ऑन द स्पॉट अपना जो हाथ है वो काट के दे देता है, लेकिन आरन क्या करता है इनके इस चीज के बदले में इन दोनों को मारकर इनका जो हेड है इनका जो सर है मतलब इनको बिहेड करके इनका जो सर है वो टाइटस के पास भिजवा देता है। अब टाइटस को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो रिवेंज लेना चाहता है। और इसी टाइम पे जब ये सब हो रहा होता है मीन वाइल इसके साथ साथ क्या चल रहा होता है जो मार्कस है ना टाइटस एंड्रोनिकस का भाई वो लविनिया से मिलता है और वो देखता है लविनिया की हालत तो वो लविनिया को टाइटस के पास लेके आता है, लेकिन वो तो कुछ बोल नहीं पाती कि किसने रेप किया क्योंकि उसके साथ तो उसको बिल्कुल हेल्पलेस बनाया हुआ होता है। अब क्या होता है कि जो लविनिया है ना एक कुछ बुक्स पढ़ रही होती है तो इसको एक बुक मिलती है ओविड की मेटा मोर्फोसिस, ठीक है मेटामॉर्फोसिस और बुक होती है वो सिक्स ठीक है। अब जब ये बुक पढ़ रही होती है तो जो इसकी मेन कैरेक्टर होती है उसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ होता है जैसा लविनिया के साथ हुआ होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है लविनिया को एक तरफ से थोड़ा करेज आता है और क्योंकि वो उसको देख के उसके अंदर थोड़ा ये हुआ कि जो इसकी मेन कैरेक्टर है उसके साथ भी यही हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही इसने बुक खत्म की है एक स्टिक उठाती है उस स्टिक को अपने मुंह में जब डाल के उसमें इन दोनों का नाम लिख देती है किसका डिमेट्रियस का एंड चिरोन का। और जब इनका नाम टाइटस एंड्रोनिकस देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पे इस गुस्से में इस रिवेंज में वो अपने बेटे लूसियस को बुलाता है, ठीक है जिसको बाहर निकाल दिया जाता था उसको बुलाता है टाइटस एंड्रोनिकस और इसको कहता है अपने बेटे को कि तुम एक आर्मी खड़ी करो किसके अगेंस्ट सैटर्निनस के अगेंस्ट हम इन पर अब हमला करेंगे। अब सैटर्निनस को जब ये पता चलता है कि आर्मी कौन लीड कर रहा है लूसियस वो एक मैसेंजर भिजवाता है सैटर्निनस और लूसियस और टाइटस एंड्रोनिकस को कहते हैं कि जो हमारे राजा है जो किंग है वो आपके साथ शांति से बात करना चाहते हैं। अब मीनवाइल क्या होता है कि जो इसकी वाइफ है जो गॉथ्स की क्वीन है टमोरा अब टमोरा अपने दोनों बच्चों के साथ डिमेट्रियस एंड चिरोन इन दोनों के साथ टाइटस के घर पे आती है, ठीक है लेकिन ये भेष बदल के आती है इसे लगता है कि मुझे पहचाना नहीं जाएगा। लेकिन टाइटस एंड्रोनिकस ने इन दोनों को पहचान लिया होता है इन तीनों को पहचान लिया होता है वो कुछ ऐसा होता है कि टाइटस एंड्रोनिकस इन दोनों को यहीं पे मार देता है, ठीक है और ये यहाँ पे इनको बाद में इनवाइट करती है ताकि ये रिवेंज ले सके। तो यहाँ पे इस टाइटस एंड्रोनिकस को इनवाइट करती है एक डिनर के लिए। अब देखिए डिनर में क्या होता है एक दावत वगैरह जिसे कह सकते हैं उसके लिए इनवाइट करती है। अब उसमें क्या होता है कि जो टाइटस है टाइटस एंड्रोनिकस एक शेफ बन के आता है, ठीक है अब शेफ बन के आता है तो वो कुछ पाई बनाता है ठीक है। अब उस पाई को बनाकर वो किसको देता है वो देता है टमोरा को। अब इससे पहले ये अपनी जो बेटी है लविनिया उसको मार देता है क्योंकि एक तो इसने बदला ले लिया टमोरा के दोनों बच्चों को मार दिया जिसने लविनिया का रेप किया था और यहाँ पे अपनी बेटी को इसलिए मार देता है ताकि वो जितनी हेल्पलेस थी टाइटस से वो सब देखा नहीं जा रहा था। तो अब यहाँ पे ये इसको मार देता है फिर इसके बाद ये जब इसको पाई देता है खाने के लिए तो टमोरा को मारने से पहले बताता है कि जो ये पाई बनी है ये तुम्हारे दोनों बच्चों के मांस से बनी हुई है, ठीक है फिर टमोरा को टाइटस एंड्रोनिकस मार देता है। अब जो सैटर्निनस होता है वो किसको मार देता है टाइटस एंड्रोनिकस को मार देता है फिर सैटर्निनस को कौन मार देता है लूसियस मार देता है, ठीक है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए ऑर्डर में कि कौन किसको मारता है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ टाइटस एंड्रोनिकस किसको मारता है लविनिया को फिर किसको मारता है टमोरा को फिर सैटर्निनस आता है
सैटर्निनस किसको मारता है? टाइटस को। फिर सैटर्निनस को कौन मार देता है? लूसियस। ठीक है, अब जब यहां पे ये प्लॉट, यहां पे जो ये स्टोरी है ये खत्म हो जाती है, लेकिन बस इतना होता है कि जो आरन बचा हुआ होता है, लूसियस इसको जिंदा जला देता है, या जिंदा इसका मतलब इसको जिंदा ही दफना देता है, और लेकिन आरन इसको कहता है कि बस मेरे बच्चे को छोड़ देना, क्योंकि इसका एक डार्क स्किन का बच्चा पैदा हो चुका होता है जो टमोरा है उसके साथ। ठीक है, उसका रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने बताया नहीं, क्योंकि स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती। और लूसियस जो है वो इसको मार देता है, फिर लूसियस और मार्कस ये दो इंसान बचते हैं बस। ठीक है, अब लूसियस को बाद में किंग बना दिया जाता है, और ये यहाँ पे प्रोमिस करता है कि अब जो भी मतलब आगे जो भी पॉलिसी होंगी या जो भी अभी तक जो घटना हुई है वो उनको रोमन एम्पायर के लोगों को बताता है और प्रोमिस करता है कि अब पीसफुल होगा सब कुछ और सब अच्छे से चलेगा, और काफ़ी अच्छे ये प्रोमिस करता है। और इस टाइम पे यहाँ पे ये ट्रेजिक एंड होता है, बस यही दो बचते हैं पूरी स्टोरी में। और मार्कस ऐसा इंसान है जिसने कभी कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हैं, और ये खून खराबे से थोड़ा दूर ही रहा है, इसके बारे में बस यही दिखाया गया है मार्कस के बारे में। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई